कैसे आप लोग? और yes, so Ajay is from Namdekat Singh. Just briefly about this whole thing. Okay. Sorry. हाँ हाँ आप अजय हो? हाँ ओके। ये लोग एक्चुअल में इनको हमने वाटर वीडियो किया हुआ है। ठीक है ठीक है, आप रेडी हो? मैं बात को मुझे आता हूँ। ये सेट Yeah. कौन से गाँव से आए हो? नासिक का। बॉम्बे आते हो? मुंबई आते हो ज़्यादा कि मुंबई नहीं आते? नहीं आते। पहली बार आए सब लोग। अभी 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 जू बीच गए थे? परसों वाला बीच में। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। फूल तो मुझे लाने चाहिए थे आप लोग के लिए। अरे थैंक यू सो मच यू। ये kilometers for the water. Okay, all right, okay. Every day. चलो बहुत अच्छा। तो अभी ये फोटो ऑप्शन। हाँ बोल ले आओ ना, कोई लेके आओ फोटो निकालते हैं। जहाँ ये तरफ करना है। अच्छा ये तरफ लाइट उस तरफ बेटर है। किधर आ जाओ, आ जाओ। इनको बुला लो, आ जाओ उधर। समझे ना, मराठी आता है ना, दो इधर दो उधर। बाकी तुम्ही दोन तिकडे दोन इकडे। ये तो शोले का वो आ रहा, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। आ जाओ आ जाओ, पिछले पीछे पीछे पीछे। बहुत अच्छा है। आइए सर, एक ऑफिस में भी रख लो। नहीं अपन ये सर एक से सोलो सर वाटर भी ले लो। गम के साथ एक सोलो लेंगे सर। सर done, okay, yes. Now bite no? Okay, sir, firstly the great initiative by done by you, what do you want to say about the initiative? Well, ये जो initiative है बहुत ही, आप जैसे देख रहे हो कि ये जो Wells on Wheel है, ये मेरा एक दोस्त है लंदन में। एक्चुअली ये चैरिटेबल ट्रस्ट उन्होंने ये शुरू की है। एंड बिकॉज आई हैव नोन हिम, तो बीइंग एन एक्टर ही आस्क्ड मी इफ यू नो कि एक्टर किसी चीज़ से जुड़ जाता है तो ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते हैं, तो इसीलिए मैं इससे जुड़ा हूँ। और जब मैंने इसके बारे में सुना और पढ़ा और सब देखा, मैंने बोला ये बहुत ही ज़बरदस्त तो चीज़ है ही, पर बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। खाली ये एक चैरिटेबल थिंग नहीं है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। आज इतनी गर्मी में ये जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, 5-5 बार जाती हैं स्कूल में, स्कूल नहीं जाती है और ये वेल में पानी इकट्ठा करने जाती है। इससे इनको ये फ़ायदा होता है कि एक तो मटका जो सर पे उठा के लेके जाना पड़ता है, तो मैं जब भी वो पुरानी फिल्मों में देखता हूँ या अभी भी कोई फिल्मों में देखता हूँ, लगता है कि हम गर्मी में चलना हमारे लिए मुश्किल होता है। और ये जो छोटी लड़कियाँ हैं, स्पेशली जब बच्चियों को आप देखते हो तो इट्स यू फील रियली रियली बैड। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक तो ये 5 मटके का काम एक उस पर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार जाओगे, जैसे कि अगर मदर ही चले जाती है सुबह के वक्त, तो उसे बार बार नहीं जाना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि बच्चियाँ, बिकॉज पानी सबको ज़रूरत होती है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल इनका आधा टाइम पानी लेके आने में जाने में वक्त गुजर जाता है। तो इससे जस्ट नॉट द वाटर, दे गेट दैट फ्री टाइम इनको मिलता है, उससे ये अपने एजुकेशन में ध्यान दे सकती हैं। और ऑब्वियसली पानी, जैसे मैंने कहा है, पानी आप कहीं भी वर्ल्ड में रहते हो, पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लाइफ में चीज़ है वो पानी है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग। और मतलब मैं एक बहुत ही छोटा हिस्सा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से अगर जो भी वर्ल्ड में लोग हैं, मैं खाली इंडिया में नहीं बोलता हूँ, जो भी वर्ल्ड में लोग हैं इस चैरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, और ये इट्स ए नॉन प्रॉफिटिंग थिंग, तो these beautiful women will benefit a lot, and especially the young girls, unko education milegi, and it will really, India will prosper with that. Education, the whole main thing is education. Se any country prospers, and I think so India is prospering so well. They are doing such a, India is really really going ahead, and जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो उतना बेटर होगा। तो ये एक बहुत ही इनडायरेक्ट चीज़ है, बात हम पानी की कर रहे हैं, बात हम एक व्हील की कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट जस्ट मल्टीप्लाइज इनटू एजुकेशन एंड फ्री टाइम फॉर दीज गर्ल्स। तो आई थिंक सो इट्स रियली गुड है। ओके, ये जो क्वांटिटी है वो काफ़ी अभी थोड़ी लेस अमाउंट में दिख रही है, जस्ट 47 लीटर्स और समथिंग लाइक दैट, तो इसे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मैं इनफैक्ट मे, बिकॉज लाइक आई सेड, जो मेरा दोस्त है वो लंदन में है, हम मई में इसी चैरिटी के लिए लंदन भी जा रहा हूँ, ताकि हम लोगों के सामने ये पेश कर सकें जो इंडियंस आर देयर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल कॉज दैट के एनीबडी विल कम फॉरवर्ड एंड ट्राई एंड बी एज हेल्पफुल एज पॉसिबल। तो या तो वी आर, होता ना बूंद बूंद से नदी बनती है, नदी बने सागर, तो ये शुरुआत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही आगे जाएगा। Sir, the kind of love you got from Fame Game, OTT platforms में, it was a new thing, fresh thing for you. दोनों आज से पब्लिक ने स्वीकारा है, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? वेल, अच्छी बात है, मतलब कि जब आदमी फेम गेम चलने की वजह से अगर ये वेल्स ऑन व्हील्स उसी की वजह से चल जाए तो मुझे लगेगा मैं और फेमस हो गया हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक व्हेन वी गेट फेमस, ऑब्वियसली you get your work, this is what I love doing and everything, but somewhere if you can share your success and whatever these kind of, I will not use the word charity, it's just something small thing that you can do for humankind. I feel it is just that, it's got nothing to do famous से ये हो जाता है कि अगर ये कोई और ये बात करे तो 10 लोग देखते हैं, जो एक अगर पर्सनालिटी जो लोग जिनको जानते हैं शायद 100 लोग देखें, चाहे 1000 लोग दें, तो काम थोड़ा बेटर हो जाता है। तो या सो दैट्स गुड। सर, फेम गेम की तो बात हो गई, अब आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, मतलब अब OTT प्लेटफॉर्म का बड़े पिक्चर? वेल, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स OTT में भी कर रहा हूँ, मेरे गॉन गेम सीज़न 2 आ रहा है, देन आई एम डूइंग अ पिक्चर कॉल्ड ब्लडी डैडी, विच इज़ अली अब्बास's फिल्म, which I finished shooting, which is Shahid Kapoor is heading the cast. Not saying too many details about it. It's too early. फिर मैंने अभी एक recently एक फिल्म शुरू की मेरी क्रिसमस, जो श्री राम राघवन जी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो that is there. Then couple of more projects. There's another project called House of Lies. I've just House of Lies, which is a new director but a very interesting concept. वो भी ख़त्म की है। तो yeah, God's been kind. There's some good work happening here. Sir, there are so many questions raised on Kashmir Files, recently movie. What do you want to say about the movie and what do you want to say? मैं shooting कर रहा था, the whole of India and the world. मैं आज ही पढ़ रहा हूँ कि आज मैंने कहीं पढ़ा कि US में भी बहुत ज़बरदस्त गई है, तो बस मैं hopefully tomorrow I'm going to go and see it, and I'm very, very glad that something like this is happening. And what do you want to say to Vivek Agnihotri ji? Bring such kinds of project to... See, I like to comment on it once I see the film. Let me see it, and then... but the whole of India has loved it, so he must have done a great job, I'm sure. Okay, NGO की तो बात हो गई, तभी यार आगे और क्या-क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? मैंने अभी आपको कहा NGO को लेके ये मेरे ख्याल से ये एक शुरुआत है. मैंने you know indirectly you get involved with charity function and everything. This I'm directly getting involved, so this is the start, and मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छी तरह कर सकूं, and before I होता ना कि I don't want to put my hands and legs in 10 other places. ये बहुत ही I think so बहुत ही important चीज़ है. जैसे मैंने कहा पानी बहुत important चीज़ होती है, तो मुझे इस वक्त मैं इसी चीज़ में कंसंट्रेट करना चाहता हूँ. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू. एक काम करें, कंपोज. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर. आपका एक सर आपका एक बेटा थैंक यू सर. एक फोटो ही तुम्हारी पसंद. Okay, thank you.